बोलते थो आता है पकड़ के पता नहीं किसको साबुन तेल बेचना शुरू कर देते हैं मुझे पता है कि मेरा आज का पागलपन कल के डेट में मेरी ज़िंदगी बनाने वाला है इसलिए मैं पागल था और मुझे अच्छा लगता था पागल कहानी में अच्छा। मेरे दोस्त याद रखना ये दुनिया क्या बोलती इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जिस दिन तुम्हारे घर में किसी की हालत ख़राब होगी तुम्हारे बच्चों की तबीयत खराब होगी ना जब इन रिश्तेदार और दुनिया के सामने हाथ फैला के बोलोगे ना एक लाख रुपये चाहिए लोग नसीहत देंगे पैसा कोई नहीं देने वाला पैसा तो वही काम आएगा जो उस समय तुम्हारे अकाउंट में हो लेकिन हम लोग की प्रॉब्लम क्या है कि अक्सर हम ये सोच के काम करना छोड़ देते हैं कि लोग क्या बोलेंगे दुनिया क्या बोलेगी ये सोच के हम काम करना छोड़ देते हैं मेरे दोस्त जो दुनिया के बारे में सोच के आप मेहनत नहीं कर रहे हो ना वो दुनिया वाले तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाले हैं और याद रखना दुनिया वालों को आपका देखने का नजरिया आपकी सफलताओं और असफलताओं पर डिपेंड करता है कोई बच्चा बहुत मेहनत करता है बहुत पढ़ाई करता है लेकिन एग्जाम से चार दिन पहले बेचारे की तबीयत ख़राब हो जाए और एग्ज़ाम में अगर वो फेल हो जाए ना वही दुनिया वाले जो बोलते थे बहुत मेहनत करता है बोलते साला मेहनत नहीं करता था रात भर टाइम पास करता था लोगों की भाषा आपकी सफलताओं और असफलताओं पे पलट जाती है लेकिन एक बच्चा कितना भी बदमाश हो कितना भी बेकार हो मेहनत करके अगर सरकारी नौकरी ले जाता है लोग बोलते थे यार बदमाश था लेकिन जब पढ़ने बैठता था तो बड़ा कॉन्क्रीट पढ़ता था दुनिया को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपने सफलता और असफलता किन रास्तों पर चल के हासिल करी है लोगों को सिर्फ इस बात से लेना देना है कि आप सफल हैं या असफल हैं आपके चेहरे अक्सर आपके सफलताओं असफलताओं से नापे जाते हैं दुनिया ये नहीं देखती बोलते हैं ना कि शिखर पे पहुंचने वाले लोगों के सर का ताज तो हर किसी को दिखाई देता है काश किसी ने पैरों के छाले देखे होते ये दुनिया पैरों की छाले नहीं देखती मेरे दोस्त सर का ताज देखती है वो ताज आपने कैसे हासिल किया इस बात से किसी को कोई लेना देना नहीं है ताज आज जो तुम रोते हो सर मुझे गर्मी लगती है मुझे ठंडी लगती है तुम्हारे रोने से घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला ना दूध वाले को फ़र्क पड़ेगा ना सब्ज़ी वाले को ना टीचर को ना तुम्हारे घर परिवार किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरे दोस्त लेकिन जिस दिन तुम सफल हो गए तो तुम्हारे सारे दूर के रिश्तेदार तुम्हें अपना बनाने के लिए बोलना शुरू कर देंगे आज मेरे इतने भाई आ गए हैं इस दुनिया के अंदर मुझे खुद नहीं पता कहाँ कहाँ से मेरे भाई आ गए इतने मेरे रिश्तेदार खड़े हो गए मुझे खुद नहीं पता कहाँ कहाँ से रिश्तेदार मेरे पास कई लोग फोन करते हैं बाबू याद है मैं कौन हूँ मैं बोला कौन है भाई तो वो तुम्हारे मैं फूफा के बुआ के बेटी का बेटा लड़का हूँ एक बार बचपन में मिले थे जब तू दो साल का था ऐसे ऐसे रिश्तेदार तब कहाँ थे जब अमित दुबे स्ट्रगल कर रहा था सोचना ये सब आपकी लाइफ में भी होगा लेकिन इन सबसे अगर आपको आगे निकलना है एक ही चीज है पर्सनल गोल बनाओ और उस गोल को चेंज करो भागो मेहनत करो और तब तक मेहनत करो जब तक आप इसलिए डायमंड ना बन जाओ क्या मेहनत करने के लिए तैयार हो क्या मेहनत करने के लिए तैयार हो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि सॉल में बैठा कौन इंसान आने वाले समय में डायमंड बनेगा और कौन इंसान घर में वापस जाएगा लेकिन मैं ये जरूर बोलता हूं इस दस कदम ट्रेनिंग में सिखाई हुई बातों को जिस जिस ने फॉलो किया वो इंसान जरूर डायमंड बनेगा और जिस जिस ने यहां से जाने के बाद मेहनत किया वो इंसान जरूर आने वाले समय में इतिहास रचेगा अब ये फैसला ये है कि कौन इतिहास रचेगा कौन घर में बैठेगा क्या आप तैयार हैं आर यू रेडी आर यू रेडी मुझे इटावा के धरती पे आने का मौका मिला था तो गणेश जी के साथ मैंने सात आठ लोगों के साथ प्लान किया था और आज भी कभी कभी शेयर होते होते वो फोटो आ जाता है जब पहली बार आपको फोल्डर देते हुए हमने फोटो खिंचवाया था तो मुझे नहीं पता आपने उस समय क्या सोचा था लेकिन मेरी दिली सपना था मैंने बताया भी था आपके अपलाइनों के कि मैं लास्ट चांस ले रहा हूँ इसके बाद मैं चांस नहीं लूँगा कि एक कहानी मैं फिर लिख के देखता हूँ कि क्या वाकई में जिन लोगों की कैरियर हमने बनाया वो एजुकेशन अभी भी पावरफुल है या वो धूमिल हो चुका है लेकिन आज जिस तरीके से पहला दस कदम सौ लोगों का दूसरा दस कदम आज दो सौ लोगों का और जिस तरीके से हज़ार हज़ार लोगों की आप ट्रेनिंग्स मीटिंग्स लगातार कर रहे हैं मुझे पता है आने वाले समय में ये टीम इतिहास रचने वाली है आर यू रेडी आर यू रेडी और एक चीज़ और है अपने आप को हमेशा अपग्रेड करो शेर का बच्चा हमेशा शेर होता है अपलाइन गणेश जी जैसे अपलाइन है तुम्हारे अपलाइन जितेंद्र राठौर जी जैसे अपलाइन है तुम्हारे अपलाइन प्राची मैडम जैसे शेरनी जैसी अपलाइन है तुम्हारे अपलाइन गोला सर जैसे अपलाइन है तो तुम्हें तो सवा शेर बनने की जरूरत है तो हमेशा अपने आप को अपग्रेड करो मार्केट में तरह तरह के कीड़े हैं लेकिन डरने की जरूरत डरो मत कई लोग बोलते हैं सर कंपनी नई नई कंपनियां मार्केट में आ रही थी तुम्हें क्या डरना भाई शेर को देख के सारे जानवर दरवाज़ा साफ़ कर लेते हैं साइड हट जाते हैं तुम्हें शेर के जैसा चलना है जो आए उसको लपेट कर अपने साथ ज्वाइन करा लो क्या ऐसा कर सकते हैं yes! कर सकते हैं yes! दोस्तों अभी कई लोगों के लगातार मैसेजेस आ रहे थे कई लोगों के लगातार कॉल आ रहे थे दुख का विषय है कि मैंने बड़ी मेहनत करके एक किताब बनाई थी डायरेक्ट सेलिंग क्या क्यों कैसे पहले इस बुक का नाम था नेट मार्केटिंग क्या क्यों कैसे फिर मुझे ऐसा लगा कि इस इंडस्ट्री को नेट मार्केटिंग बोलना गलत है फिर मैंने इसका नाम चेंज किया डायरेक्ट सेलिंग क्या क्यों कैसे लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि जब बुक लॉन्च हुआ तो तीन दिन के अंदर इसकी सारी कॉपी बिक गई अब मुझे अपने ही लोगों के पास से मैसेज आ रहे हैं कि सर मुझे तो किताब मिला ही नहीं अब अब लोग मैसेज डाल रहे हैं तो अभी क्या है फर्स्ट पब्लिशिंग में मेरे ख्याल से लगभग दस एक हज़ार किताब निकले थे तो सारे किताब सेल आउट हो चुके हैं है ही नहीं मार्केट में मैं भी पब्लिशर को टाइट किया यार तुम्हें नहीं पता था क्या बोला सर हमें क्या पता था तीन तीन दिन में दस हजार किताब बिकते हैं ये तो मतलब हिंदुस्तान के लिए आज तक पहली बार रिकॉर्ड बना तीन दिन के अंदर दस किताब बिक जाना लेकिन <laughs> ये जो बुक मैंने बनाई थी ये मेरा पूरे डायरेक्ट सेलिंग के ग्यारह साल के एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग के मैंने निगेटिव पहलू को भी देखा था और डायरेक्ट सेलिंग के मैंने सक्सेसफुल पहलू को भी देखा है तो ये बुक कोई किसी किताब से लिया गया नहीं है या कहीं कंप्यूटर एजुकेशन से लिया गया नहीं है ये टोटल मेरा एक्सपीरियंस था और कमाल की बात बताऊँ इस किताब को मैंने फ़्लाइट में लिखा है गणेश जी एक बार मेरे साथ गए थे सर ने देखा था ये पूरी बुक मैंने फ्लाइट में लिखा था और एक ऐसी किताब है कि अगर ये किताब आप किसी को गिफ्ट भी कर दोगे ना तो बंदा किताब को पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली आपको समर्पित करेगा बोलेगा ये रहा है मेरे डी मुझे ज्वाइन करो ये खुद फॉलोअप करता है यह किताब इतना पावरफुल है इसके अंदर यह जो पूरी दस कदम ट्रेनिंग आपने हासिल किया है ना यह पूरा दस कदम का निचोड़ भी इसके अंदर आपको मिलेगा आपको लगेगा यार सर यही वाला डायलॉग तो बोल रहे थे इस बुक को पढ़ने के बाद आपको लगेगा यानी पूरा दस कदम ट्रेनिंग का और ट्रिपल डी ट्रेनिंग का जो रिकॉर्डेड और लिखित तो वर्जन है ना वो इस किताब के अंदर आपको मिलेगा तो ये इस किताब का जो प्राइस था पब्लिशर ने रखा था चार सौ निन्यानवे रुपये और फिर भी मुझे पता नहीं कैसे ये हज़ार दस हज़ार कॉपी कैसे बिक गए लेकिन मैंने पब्लिशर से रिक्वेस्ट किया था कि जो मेरे लोग हैं इनको किताब सस्ते में मिलना चाहिए इसलिए मैंने पर्सनल मैसेज भी डलवाया था कि हमारी टीम के कोई भी इंसान इस बुक को पब्लिशर के पास से ना खरीदे यार तुम्हारा अप्लाइन लिखा है तो कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए हाँ या ना तो मेरे दोस्त इसलिए इस बुक को मैंने पब्लिशर से रिक्वेस्ट करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करिए ये बुक छः सौ का है लेकिन मैंने आपके लिए ये बुक लॉन्च किया है एक सौ में मैंने उसको बोला यार मुझे एक रुपए नहीं चाहिए क्योंकि मैं ये डायरेक्ट सेलिंग को डोनेट करना चाहता हूँ जिस इंडस्ट्री ने मुझे इतना सब कुछ दिया भगवान का आशीर्वाद से आज इतने पैसे हैं कि मुझे कहीं और से पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि ये बुक मैं हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलर को डोनेट करूंगा आज तक इतने सस्ते में दुनिया के किसी राइटर ने ऐसी बुक किसी को लॉन्च करके नहीं दिया था और वो मैं दे रहा हूं आप लोगों के बीच में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई भी निगेटिव बोलता है मैं दावा करता हूं दो दिन बोलना ये किताब पढ़ ले फिर मेरे सलाह के मिल जाए गारंटेड और पैसा लेकर आएगा तुम्हारे पास ऐसी किताब है बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए अब मुझे समझ में आ रहा है कि पब्लिशर क्यों परेशान है मेरे पास सोशल मीडिया पे इतने मैसेज आ रहे हैं सर मुझे किताब चाहिए किताब चाहिए और मैं क्या बताऊँ है ही नहीं स्टॉक में अभी स्टॉक से आउट ऑफ स्टॉक हो गया है और देखो अच्छी बात तो ये आपके लिए फॉलोअप का एक टूल्स हो जाएगा जो लोग टेढ़े मेढ़े बोलेंगे उनको बताना भैया देख मेरे अपलाइन का किताब है बोल सकते नहीं बोल सकते हैं